अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब लोग? कैसी तबीयतें हैं और कैसे मिजाज हैं? वीकेंड कैसा गुजरा है सब लोगों का? और क्या क्या प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी जिंदगी में आई है, जरा थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपने क्या नया सीखने की कोशिश की है। वीकेंड के ऊपर क्या ट्राई किया है खुद से? अच्छा, आपने वीकेंड पे ये किया था कि मुझे मैसेज किया था? ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ उसको अक्रम। और इसके अलावा कोई प्रोडक्टिव काम किया है तो वो बताओ। क्या करते रहते हो ये जो हफ्ता, इतवार, बल्कि जुम्मे वाला दिन भी आप लोगों का छुट्टी वाला ही होता है, 1 घंटे का, 1 घंटे का लेक्चर होता है। सर, मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद ओपन नहीं होता। लाइव सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे हो या फिर लोकल होस्ट पे कर रहे हो? वालेकुम अस्सलाम जी सब लोगों को। सर, हाउ आर वेबसाइट विल बी लुक सेम इन ऑल डिवाइसेस? ठीक है जी, और कोई सवाल? एरर आता है आपको, इनबॉक्स भी किया था। चलें मैं उसको देखता हूँ। सर प्लीज़ आंसर कर दें, फाइवर पे मैसेजेस आ रहे हैं, क्या आंसर करूँ? भाई क्वेश्चन तो पूछो, क्वेश्चन क्या है? आज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस ले आएँ जो जो कन्फ्यूजन्स हैं और उनको, ताकि क्लियर करके हम लोग जो है वो अपने मेन सेक्शन पे आ जाए। अच्छा अकरम, आप जो है वो लाइफ पे मसला आ रहा है, ठीक है, आप मुझे जो है वो ये क्लास के बाद अपना लॉगिन पैनल सेंड कर दो, जो भी यूजर नेम पासवर्ड है उसको मैं देख लेता हूँ खुद से। सर ये डेमो से सब कुछ इंपोर्ट हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा। और कोई सवाल, और किसी की कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। चलें जी आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं फिर। अच्छा, जीशान का सवाल है अभी, वो कह रहे हैं सर डब्ल्यू सी एफ एम प्लगइन क्या होता है? एक क्लाइंट पूछ रहा है कि इंस्टॉल कर दोगे और वेबसाइट को अरेबिक लैंग्वेज में करना है, कैन वी डू? अच्छा पहले तो डब्ल्यू सी एफ एम की बात करते हैं। डब्ल्यू सी एफ एम स्टैंड फॉर वू कॉमर्स फ्रंट एंड मैनेजर, ठीक है। डब्ल्यू सी इज फॉर वू कॉमर्स एंड एफ एम फॉर फ्रंट एंड मैनेजर। तो जितना भी वू कॉमर्स की प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपका जब ऑनलाइन स्टोर बना लेते हैं तो जितने ऑर्डर आते हैं उनको मैनेज करना है, अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करना है, प्राइसेस को मैनेज करना है, ऑर्डर्स को मैनेज करना है, रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, तो उसके लिए ना एक फ्रंट एंड मैनेजर है ये जो प्लगइन है। तो सिंपल जैसे आम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आपने इस प्लगइन को भी इंस्टॉल करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फ्री प्लगइन है तो आप लोग कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, अरेबिक लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको उसकी सारी ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी अरेबिक के अंदर, और एक उसका अरेबिक वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो वो एक लेंथी काम है। और पूरे एक पूरी इंडस्ट्री है, ट्रांसलेशन इंडस्ट्री, जो इस ऐसे जो प्रोजेक्ट्स इनके ऊपर काम कर रही है। आपका वर्डप्रेस अब क्लास के बाद करेंगे। देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में क्लास में कितनी दफा पढ़ा चुका हूँ, अभी आपका मसला है ना, सिंपल, सब लोगों का मसला नहीं है, इसलिए सब लोगों का टाइम मैं आपकी वजह से जाया नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको कहा है कि क्लास के फौरन बाद आए और मेरे से इंडिविजुअली कॉन्टेक्ट करें, मैं आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल करवा देता हूँ। हाँ जी सर, सीडीएन के बारे में बता दें, ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, जैसे क्लाउड फ्लेयर है, ठीक है, तो क्लाउड फ्लेयर वगैरह के आप लोग नेम सर्वर्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं इंशाल्लाह किसी और टॉपिक में, किसी और सेक्शन के अंदर जो है वो डिटेल में बताऊंगा। एंड अनदर क्लाइंट इज आस्किंग फॉर ड्रुपल। ड्रुपल एक कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही है, जैसे वर्डप्रेस है इसी तरह का कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम ड्रुपल है,
ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपने जो है वो वेबसाइट से ही डिज़ाइन करनी होती है, डेवलप करनी होती है, तो वो एक अलग चीज़ है, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। अगर आपने इंडिविजुअली उसको लर्न करना है तो आप उसको कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल उसके मौजूद है। चलें जी, आ जाएं आगे और वर्डप्रेस पे आते हैं और देखते हैं कि आज का जो टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ पे वो क्या लिखा है। इंस्टॉलिंग अ थीम सेम लाइक डेमो, ठीक है, इंस्टॉलिंग अ थीम सेम लाइक डेमो एंड इट्स कस्टमाइजेशन। तो आज जो है वो हम अपनी जो भी पहली कस्टमाइजेशन हमने इस वेबसाइट पे की थी seogrowth.tools के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि वो सारी की सारी जो कस्टमाइजेशन है वो मैं डिलीट कर दूँ, सारे के सारे पेजेस जो बनाए थे वो मैं डिलीट कर दूँ एक ही दफा में, और जितना काम मैं कर चुका था, मैं मतलब चाहता ही हूँ कि मेरा वर्डप्रेस ऐसे लगे कि अभी इंस्टॉल हुआ है। ठीक है सर, एफएक्स मेकर में वीडियो की फॉर्मेट में सेव कर, किस फॉर्मेट में अच्छा सेव करें और कहाँ सेव होती हैं और स्लाइड्स टाइमिंग सेट नहीं, यार ये सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है, अब मैं कैसे बताऊँ आपको। जो भी फॉर्मेट्स हैं, जिस भी फॉर्मेट में वो आती है, जो भी आपके पास है, उसने रेजोल्यूशन दी हुई होगी, आगे फॉर्मेट्स भी दिए हुए होंगे, तो वो इतना बड़ा मसला तो नहीं है ये। आप लोग उसको थोड़ा सा करके देखा करो ना, पंगे ले लिया करो, इस हर चीज पूछने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे ये सवाल पूछा उसने कि जी डब्ल्यू सी एफ एम प्लगइन क्या होता है, तो अगर आप यहाँ पे आके देखें ना, डब्ल्यू सी एफ एम प्लगइन वर्डप्रेस, ठीक है, तो अगर इतना सा सर्च मारा हो कि डब्ल्यू सी एफ एम प्लग इन वर्ड प्रेस क्या होता है, तो यहाँ पे देखें उसने पूरा प्लग इन निकाल के दे दिया कि जी आप wordpress.org से जाके ये यहाँ से जो है इस प्लग इन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्या है जी, फ्रंट एंड मैनेजर फॉर वूकॉमर्स है, ठीक है, अलॉन्ग विद बुकिंग सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग एंड कंपेटिबल, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि वो करता क्या है। ठीक है, फिर नीचे को वीडियो शीडियो भी दी होगी, ये ले जी ये वीडियो है कि किस तरह हमने उसकी कस्टमाइजेशन करनी है, तो सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह की चीजें जो है वो जरा फिर क्लास का जो डेकोरम है उसको खराब नहीं करती। डेमो क्या होता है, चलें जी डेमो भी बता देते हैं, आज यही पढ़ना है इंशाल्लाह। सर क्या डोमेन का नेम बाद में चेंज हो सकता है? और नहीं भाई, डोमेन का नेम ही तो मेन चीज है, जैसे अब ये डेपर डॉट रिव्यूज है, ठीक है, या क्यूटीन डॉट कॉम है, ये मेरे ब्रांड्स हैं, ठीक है। अब मैं अगर चाहूँ, यहाँ पे मैंने लिखा फनी गुड मॉर्निंग कोट्स, ठीक है, और ये फनी गुड मॉर्निंग कोट्स के नाम से मेरी वेबसाइट जो है वो पहले नंबर पे आ रही है अगर, या दूसरे नंबर पे आ रही है, तो अगर मैंने इसकी डोमेन नेम ही चेंज कर दिया तो वो जो सारी की सारी मेरी रैंकिंग थी वो जाया हो गई, ठीक है। और वैसे भी डोमेन नेम एक दफा जब रजिस्टर हो जाता है तो फिर चेंज नहीं होता, आपको नया बाय करना पड़ेगा, ठीक है सर। MP4 में जो मर्जी कर लो यार, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, जिस भी एक दफा देखो आप डाउनलोड करके देखते हो वीडियो नहीं चलती, दूसरी दफा किसी और फॉर्मेट में चेक कर लो। थोड़ा सा मैं इसलिए आप लोगों को जो है वो इस तरफ माइल कर रहा हूँ कि थोड़े से पंगे लेने आए हैं आपको, और पता लगे कि यार ये काम हमने खुद से कैसे कर रहे हैं ट्राई। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था, अच्छा अब एक और सवाल आ गया, अगर फाइवर पे अपलोड करनी है वीडियो तो एफएक्स मेकर से MP4 पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर लें। चलें जी, वेरी गुड, ये कुछ लोग हैं अच्छे जो मेरी हेल्प कर देते हैं, और इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं मुझे जवाब नहीं देने पड़ते, और आप लोगों में से ही कुछ लोग जवाब दे देते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं गलत जवाब ना दे दें और अगले का माइंडसेट जो है वो खराब ना हो जाए, कॉन्सेप्ट खराब ना हो जाए। सर एफएक्स मेकर में वीडियो किस फॉर्मेट में सेव करें? सब लोगों के एक ही सवाल है, सब लोगों ने यार लगाई नहीं है, पहले किसी ने वीडियो नहीं लगाई, कितने लोग हैं जिन्होंने वीडियो अप्रूव हो गई है जिनकी फाइवर की गिग के ऊपर, है कोई यहाँ पे हमारे पास लाइव है ऐसा बंदा जिसने वीडियो एफएक्स मेकर पे वीडियो बनाई है और फाइवर के ऊपर अपलोड कर दी है और वो शो भी हो रही है उसकी वीडियो, बताएं तो जरा। वीडियो का फॉर्मेट MP4 ही होता है आमतौर पर। हाँ जी, करते हैं ये जरा सवाल और इनकी ये जो कन्फ्यूजन हैं ये क्लियर हो जाएं, फिर इंशाल्लाह ये डेमो ही करेंगे। आज का जो मैंने टॉपिक लिखा है उसको आज आप लोगों ने फाइवर के ऊपर सर्च भी करके देखना है, ठीक है। जिशान का हो गया, सर कैनवा से बना ले,
बना के लगाई थी। वेरी गुड, कैनवा से भी बना दी जी उन्होंने वीडियो। जी सर, हो गई मेरी, सर मेरी अप्रूव हो गई है, यस सर बनाई है मैंने। अब ये कितने लोग हैं जिन्होंने बना ली है, इन्होंने भी तो कोई ना कोई फॉर्मेट या कोई ना, मैंने इनको अलग से तो नहीं बताया कि इस फॉर्मेट पे करो। तो ट्राई किया करो कि खुद से पंगे ले लिया करो, थोड़े से खुद से देखा करो कि किस फॉर्मेट के अंदर ये हो सकती है, कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं। सारे फॉर्मेट अपने फॉर्मेट ही होते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता। अगर एक दफा गलत डाउनलोड कर ली तो अगली दफा नए फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे, क्लिक ही तो करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कर लिया करें। चलें जी, वेरी गुड, निमरा की अप्रूव भी हो गई है। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक है कि हाउ टू इंस्टॉल अ थीम सेम लाइक डेमो। अच्छा, डेमोस क्या होते हैं, सवाल था हमदान का शायद, लेट मी सी द नेम, यस हमदान साजिद, और उन्होंने पूछा कि डेमो क्या होता है। डेमो बने बनाए लेआउट्स होते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं जो एक थीम हमें प्रोवाइड करता है। जो अच्छे थीम होते हैं उसके मल्टीपल डेमोज भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एस्ट्रा का थीम है, WP ओशन का थीम है, तो ये ऐसे थीम्स हैं जिनके कुछ लेआउट्स हैं। कुछ लेआउट्स फ्री होते हैं, कुछ लेआउट्स पेड होते हैं। हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल जो हमें लेआउट्स अवेलेबल हैं हम उनके ऊपर देखेंगे कि हम उनको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उनको जो है वो आगे लेके चल सकते हैं। तो लेकिन एक चीज याद रखें, जब भी आपने शुरू से कस्टमाइजेशन किसी वेबसाइट की करनी है, आपने ऑलरेडी कोई कंटेंट डाला है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए डाला था, और अब आप चाहते हो कि मैं नया थीम जो है वो चेंज करके उस थीम के ऊपर भी प्रैक्टिस करूं, तो कोशिश क्या करें कि ऑलरेडी जितनी कस्टमाइजेशन की है उसको डिलीट कर लें। उसको डिलीट करने के लिए मैं प्लगइन्स के अंदर जाता हूं, और प्लगइन्स के अंदर मैं एक प्लगइन ऐड न्यू करता हूं, जिस प्लगइन का नाम है WP रीसेट। अच्छा, WP रीसेट का ये जो प्लगइन है ये क्या करेगा कि आपकी जितनी भी वेबसाइट की कस्टमाइजेशन है सारी की सारी कस्टमाइजेशन को उड़ा देगा, मतलब बिल्कुल ब्लैंक कर देगा आपकी वेबसाइट को। मैं इसको एक्टिवेट करता हूं इंस्टॉल करके। सर, थीम एंड लेआउट आर टू डिफरेंट थिंग्स? नहीं जी, सेम ही है, सेम थिंग्स। थीम ही से आपकी वेबसाइट का लेआउट बनता है, ठीक है। अच्छा जी, जो टर्म यूज होगी वो थीम है, लेआउट्स मैं उसकी डेफिनेशन के लिए यूज कर रहा हूँ। WP रीसेट इंस्टॉल कर लिया और मैं इसके जा रहा हूं ओपन WP रीसेट टूल्स के अंदर। अच्छा जी, टूल्स के अंदर चले गए, ये सारे के सारे टूल्स खुल गए। सबसे नीचे जाना है हमने और यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर वो कहता है टाइप इन रीसेट, ताकि पता लग जाए कि कोई रोबोट नहीं है, एक रियल पर्सन ही इस वेबसाइट को रीसेट कर रहा है। तो ये मैंने इसको रीसेट कर दिया। अच्छा, इससे क्या होगा कि जितनी भी कस्टमाइजेशन मैंने की थी, जितनी भी पेजेस बनाए थे, जितने भी पोस्टें की थी, जितने अभी मीडिया के अंदर चीजें अपलोड की थी, वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। देखें, अब मेरा डैशबोर्ड देखें, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ब्लैंक है और इसके अंदर कोई भी चीज इंस्टॉल नहीं है। मैं वेबसाइट को विजिट करके देखता हूँ SEOGrowth.tools को, तो देखें जरा, बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट हो गई है, कोई पेज नहीं है इसके ऊपर, कोई पोस्ट नहीं है, कोई लेआउट नहीं है, कोई कस्टमाइजेशन इसके ऊपर नहीं हुई, ठीक है जी। सर, सिंगल पेज वेबसाइट के लिए कोई पर्टिकुलर थीम्स होते हैं क्या? हाँ जी, पर्टिकुलर थीम्स भी होते हैं, आप इसको खुद से डिजाइन भी कर सकते हैं एलिमेंटर के अंदर। सिंगल पेजर जो वेबसाइट है, स्क्रैच से शुरू करें, एलिमेंटर इंस्टॉल करें और उसको जो है वो उसकी कस्टमाइजेशन कर लें। उसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसको ट्राई भी करेंगे हम इंशाल्लाह क्लास के अंदर। cracksking.com पर मैंने ये बनाई थी पोर्टफोलियो वेबसाइट स्टूडेंट्स के लिए और उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए कि कैसे आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट थी जिसके ऊपर आप लोग अपने बारे में बता सकते हैं। कॉन्टेक्ट मी का बटन है, डाउनलोड रिज्यूमे है और मोर अबाउट मी, यहाँ पे कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, उन सेक्शंस के ऊपर नेविगेशन के लिए यहाँ पे कुछ बटन्स लगे हैं। मोर अबाउट मी में आप अपने बारे में बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज एटसेट्रा एटसेट्रा क्या है। फिर आप स्किल्स वाले सेक्शन पे चले जाते हैं कि वेब डेवलपमेंट में या वेब डिजाइनिंग में मेरी कितने परसेंट स्किल्स हैं, प्रोग्रामिंग में कितनी हैं, डिजाइन टूल्स में कितनी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में कितनी हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं तो जी रीसेंट प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, आप उन अपने जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं उनको आप यहाँ पे लगा के उनके बैकएंड के ऊपर लिंक्स लगा सकते हैं।
फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्टेक्ट मी का एक फॉर्म आ जाता है जहाँ पे लोग आके मेरे से अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और अपना मैसेज लिख के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का पोर्टफोलियो वन पेजर वेबसाइट जो है वो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने कॉन्टेक्ट दे सकते हैं कि फेसबुक पेज लाइक करना है या फेसबुक पेज मेरा देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करो, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करना है तो इसके ऊपर करो, ये ट्विटर आ गया, फिर ये इंस्टाग्राम आ गया, लिंक्डइन आ गया, बिहांस आ गया और फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल आ गया। ठीक है, तो इस तरह इस किस्म की आप वन पेजर वेबसाइट एलिमेंटर के अंदर बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से, कि बिल्कुल ब्लैंक हो पेज और आप सारी की सारी कस्टमाइजेशन खुद से कर रहे हो। इसको मैं करता हूं बंद। हमने एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स को जो है वो कर लिया है रीसेट, बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी है वेबसाइट हमारी और बिल्कुल न्यू वेबसाइट बन गई है। अब मैं जा रहा हूं थीम्स के अंदर, हम एक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। कौन सा थीम इंस्टॉल करें जी? डब्ल्यूपी ओशन के नाम से हम एक थीम इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे, WP ओशन। ठीक है जी, तो ये ओशन WP के नाम से ये मेरे पास थीम आ जाएगा, मैं इसको यहां से कर लूंगा इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन में ये क्या करता है कि इंटरनेट आपका कनेक्टेड होता है और ये सर्वर से फाइल्स डाउनलोड करता है और आपकी उस डायरेक्टरी के अंदर रखता है। डायरेक्टरी कौन सी है मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे ये जो SEO ग्रोथ डॉट टूल्स है इसके सी पैनल में जाने के लिए मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी भी कुछ दिखाई थी डायरेक्टरी के, ये कहाँ पे होगा और ये सारे का सारा सिस्टम कहाँ पे लाई करता है, तो मैं जरा इसके सी पैनल में जा रहा हूँ। उतनी देर में ये थीम इंस्टॉल हो गया है, इसको मैं एक्टिवेट भी कर लेता हूँ। यहां से इसका सी पैनल लॉग इन कर लेते हैं। लें जी, ये थीम हमारा जो है वो एक्टिवेट हो गया। एक सेकंड के लिए मैं आप लोगों को उसकी डायरेक्टरी दिखा दूं। फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे, ये आपके पास फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे, न्यू टैब के अंदर वो सारी की सारी फाइल्स जो है वो खुल जाएंगी। मेन फाइल है पब्लिक HTML, तो इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे पब्लिक HTML के ऊपर और ये आपका सारे का सारा वर्डप्रेस की फाइल्स जो है वो खुल जाएंगी। WP कंटेंट इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो फोल्डर है, सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके अंदर आपके थीम्स, आपके प्लगइन्स, आपकी पिक्चर्स सारी की सारी WP कंटेंट के अंदर पड़ी होती है। तो ये थीम्स वाला मेरे पास जो फोल्डर है अब उसके अंदर देखें ओशन WP जो है वो आ रहा है मुझे, क्योंकि मैंने अभी अभी उसको इंस्टॉल किया है। तो अगर मैं यहीं यहाँ से मुझे कोई थीम नहीं मिलता, एड न्यू करके यहाँ पे मैं कोई ऐसा थीम लिख देता हूँ जो मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल पे उसकी सर्च करता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ WP ओशन थीम वर्डप्रेस, ठीक है, इसको मैंने wordpress.org का ये लिंक खोल लेना यहाँ से WP ओशन का, ओशन WP का, और यहाँ से इस थीम की फाइल को कर लेना है डाउनलोड। ठीक है, ये फाइल यहाँ से डाउनलोड करेंगे और ये जो फोल्डर हमने अभी अभी निकाला है थीम्स वाला, इस फोल्डर के अंदर यहाँ से हम इसको अपलोड करते हैं, उसकी जो जिप फाइल होगी उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसको देन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो ओशन WP का सेम ऐसा ही फोल्डर मेरे पास बन जाएगा। तो मैं दोबारा से जब अपने थीम्स वाले सेक्शन के अंदर आऊंगा तो मुझे यहाँ पे वो जो ये सारे के सारे अपियरेंस के अंदर चलता हूँ मैं, तो यहाँ पे वो मुझे थीम नजर आ जाएगा, मैं उसको यहाँ से फिर एक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है जी, तो दो तरीके बता दिए थीम इंस्टॉल करने के। एक तरीका तो यह है कि आप डायरेक्ट यहाँ से वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में उस थीम को सर्च कर लें, दूसरा यह है कि सर्च गूगल में करें, वहां से फाइल डाउनलोड करें और यहाँ पे ये जो थीम्स वाली थीम्स वाला फोल्डर है हमारा, ये इस थीम वाले फोल्डर के अंदर उसको अपलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लें, या फिर आप सेम प्लगइन्स जो है, प्लगइन्स वाला काम भी ऐसे ही है। अगर आपको प्लगइन वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में नहीं मिलता तो आप लोग wordpress.org से उस प्लगइन को डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैं कर रहा हूँ फिलहाल बंद। आ जाते हैं जी, हमने कर लिया थीम इंस्टॉल। थीम इंस्टॉल करने के बाद मैं साइट को रिफ्रेश करता हूँ जरा, तो देखते हैं क्या उसकी कोई लुक वगैरह चेंज हुई है या नहीं। तो देखें जी, सिर्फ इतनी सी लुक चेंज हुई है कि आपका वो जो कलर था वो चेंज हो गया, बाकी हेलो वर्ल्ड वैसे ही है, रिसेंट पोस्ट वैसे ही है, रिसेंट कमेंट्स वैसे ही है, तो इतनी सी चेंजिंग आई है। लेकिन मैंने तो टॉपिक में लिखा था कि वी विल इंस्टॉल द थीम सेम लाइक डेमो, तो डेमो क्या होता है, अब डेमो हमने इंपोर्ट करना है। वो क्या कह रहा है कि दिस थीम जो हमने इंस्टॉल किया है रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन, ये जो सारे के सारे प्लगइन है वो कहता है इंस्टॉल कर लो,
तो फिर उसके बाद हम डेमो जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो मैं क्या कहता हूँ, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कहता है एक ही प्लगइन है, इसको इंस्टॉल कर लो। हो सकता है आप लोगों के पास वो ज्यादा प्लगइन्स कह रहा हो, तो उसको आपने सारे प्लगइन्स को वन बाय वन इंस्टॉल कर लेना। मैंने इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक कर दिया, अभी ये इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी और फिर उसके बाद हम इसका डेमो जो है वो इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। एक चीज याद रखें हमेशा कि जो है डेमो इंपोर्ट करने के लिए उस प्लगइन ने जो जो उस थीम ने जो जो प्लगइन्स रेकमेंड किए हैं वो सारे प्लगइन्स आप लोग इंस्टॉल कर लें, ठीक है। क्या मसला आया है भाई? अच्छा जी, डेस्टिनेशन फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पे मैं प्लगइन्स के अंदर चलता हूँ और उन उसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। वैसे ये सेटअप विजर्ड का मेरे पास ऑप्शन आ गया है, उसने हमें बोला था कि ओशन एक्स्ट्रा को जो है वो आपने करना है, तो ओशन एक्स्ट्रा हमारा एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है जी। तो आपके पास जैसे ही प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे एक बटन आ जाएगा रन द सेटअप विजिट का, ठीक है। तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, रन द सेटअप विजिट के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो इसका सेटअप विजिट स्टार्ट हो जाएगा और अब आप ओशन WP के सेटअप विजिट में आ चुके हैं। यहां से स्किप नहीं करना है इसको, अगर स्किप कर देंगे तो फिर डेमो इंस्टॉल नहीं होगा। गेटिंग स्टार्टेड, इसके ऊपर क्लिक किया, ये वो सारे के सारे सिलेक्टिंग योर डेमो टेम्पलेट, वो कहता है ये सारे के सारे डेमोज हैं, अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, उन सारी की सारी चीजों को आपके ऊपर आपकी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करेंगे और आपकी वेबसाइट की लुक जो है वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इनमें से अगर कोई एक दो थीम्स देख लेता हूँ, जैसे मैं ई कॉमर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर मुझे अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो मैं इसके ऊपर इसका मैं लाइव प्रीव्यू पहले चेक कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करने से पहले इसका लाइव प्रीव्यू के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखा तो वो मुझे इसका लाइव प्रीव्यू दिखाएगा कि ये लाइव प्रीव्यू जो है वो कैसा लगेगा और मेरी वेबसाइट के ऊपर जब मैं ये डेमो इंस्टॉल कर लूंगा तो मेरी वेबसाइट कैसी हो जाएगी, ठीक है जी। ये डेमो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, हम कोई और डेमो इंस्टॉल कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं, इसका लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं। प्लगइन्स आपको थीम रेकमेंड करेगा, ठीक है, वो थीम खुद से कहेगा कि ये प्लगइन इंस्टॉल कर लो, आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। अगर आपको ये डेमो पसंद आता है तो आप इस डेमो को इंस्टॉल कर सकते हैं और देन उसके बाद हम इन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर देंगे अपनी प्रोडक्ट्स के साथ। अच्छा जी, इसको बंद करते हैं और कोई डेमो देखते हैं। मैं आल में जाता हूँ दोबारा से, ये क्या है जी, मेगा जिम का जो डेमो है इसका लाइव प्रीव्यू देखते हैं। हाँ जी, ये जो मेगा जिम का डेमो है ये आप लोगों ने कहीं देखा होगा, जो अपना है अल्लाह तुहाडा भला करे होस्टिंग यो वाला, इसकी लुक देखें, ठीक है, और ये मेगा जिम की लुक देखें, कुछ सेम सेम लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर भी यही थीम जो है वो इंस्टॉल हुआ हुआ है। थीम की लिस्ट भी सेंड कर दें, और सर कुछ थीम भी, कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हो, आज सिर्फ ओशन WP इंस्टॉल किया है तो इसके ऊपर ही स्टिक रहो और पहले इसकी कस्टमाइजेशन कर लो। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे जो जो थीम तुम लोगों को चाहिए होंगे ना मैं दे के जाऊंगा, डोंट वरी, जो काम मैं करवा रहा हूँ पहले उसके ऊपर फोकस करो। अच्छा मैं क्या करता हूँ कि हम अगर चाहें कि जी इसी वेबसाइट की हमने कोई कॉपी बनानी है तो हम इसी को अभी फिलहाल जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल डेमो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो अब वो क्या करेगा कि उन डेमोज को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, वो कहता है ये प्लगइन्स मुझे चाहिए, तो पहले एलिमेंटर चाहिए उसको तो एलिमेंटर एक्टिवेट कर दिया, WP फॉर्म्स चाहिए तो उसको हमने यहाँ से इंस्टॉल कर दिया। सर PHP अपडेट मांग रहा है, थीम अपडेट नहीं हो रहा, तो मैंने आपको बताया था PHP अपडेट करने का तरीका, शायद तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। मल्टी PHP मैनेजर के अंदर जाना था हमने अपने सी पैनल को ओपन करके। चलें इसको मैं भी फिलहाल इंपोर्ट कर रहा हूँ,
इंपोर्ट हुआ नहीं है, चलें दोबारा से रिट्राई करते हैं। आई थिंक सो कोई प्लगइन्स वगैरह के अंदर इशू आ रहा है। आजकल जो है एक और पंगा जो पड़ा हुआ है वर्डप्रेस का और एलिमेंटर का, वो ये है कि जितनी वेबसाइट्स एलिमेंटर के ऊपर बनाई गई हैं वो सारी की सारी वर्डप्रेस जो है उनको क्रैश कर रहा है, क्योंकि लोगों ने वर्डप्रेस का जो अपना एडिटर था गटनबर, उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो एलिमेंटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। चले मैं इसको हम फिक्स करते हैं, एलिमेंटर प्रो को तो डिलीट करें, यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ये देखें एलिमेंटर भी नहीं कर रहा, चलें इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, सारे प्लगइन्स को ही उड़ा दें क्योंकि ये प्लगइन्स का थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो नए प्लगइन्स हम एक्टिवेट कर लेंगे। इनका एक आसान हल ये है कि इनको डिलीट करने का, कि आप लोग इसके सी पैनल में जाके एसईओ ग्रोथ स्लैश सी पैन इसकी प्लगइन्स वाली डायरेक्टरी के अंदर जाके आप लोग जो है वो कर देते हैं, उनको उनके फोल्डर्स को ही डिलीट कर देते हैं। एलिमेंटर सर आपने करवाया नहीं था अभी, उसकी उसका टाइम नहीं आया ना, आज ही करना है उसको। मैं इसकी ये पब्लिक एचटीएमएल के अंदर जा रहा हूँ, डब्ल्यूपी कंटेंट, ये प्लगइन्स, एलिमेंटर को पकड़ा और इसको कर दिया हमने डिलीट, एलिमेंटर प्रो को पकड़ा इसको भी डिलीट, हेल्थ चेक की भी ज़रूरत नहीं है, ओशन एक्स्ट्रा को भी उड़ाते हैं अभी फिलहाल। चल अभी इसी के साथ काम चला के चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखते हैं वो प्लगइन्स के अंदर से वो सारे के सारे प्लगइन्स जो मैंने डिलीट किए थे वो अब वो रिमूव हो चुके हैं, ठीक है, और कोई भी अपडेट जो है वो नहीं मांग रहा। ठीक है जी, अब वो हमने जो थीम इंस्टॉल किया है अपियरेंस के अंदर जाते हैं, सर PHP 7.3 को अपडेट करें या 5.3? अगर आपका ऑलरेडी जो वर्जन चल रहा है वो 5.3 है तो उसको अपडेट करके आप लोग 7.3 या 7.4 कर लें, ठीक है सर। जिस तरह हम एलिमेंटर में पेजेस डिजाइन कर सकते हैं, गटेनबर्ग और क्लासिक एडिटर में तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए जो है वो वर्डप्रेस का पंगा चल रहा है आजकल एलिमेंटर के साथ, और मेरी अपनी कुछ वेबसाइट्स जो एलिमेंटर के अंदर बनाई गई थी वो क्रैश हुई हैं, और बहुत ज़्यादा इनका जो है वो अभी आजकल मार्केट के अंदर सब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है इस वजह से। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वेट करते हैं, होप्स हो कि इसको ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा और हम दोबारा से एलिमेंटर को यूज़ कर पाएंगे। असल में एलिमेंटर ने ज़्यादा मार्केट टारगेट कर ली थी और ऑक्यूपाई कर ली थी, क्योंकि उसके अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कस्टमाइजेशन की, कि वर्डप्रेस का गटनबर्ग या फिर क्लासिक एडिटर वो सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर ही नहीं सकता, ठीक है जी। तो इस वजह से वर्डप्रेस को थोड़ा सा गुस्सा आया है एलिमेंटर के ऊपर, और उसने बोला है कि जी ठीक है फिर ऐसे तो ऐसे ही सही।
ठीक है जी, आ जाए जरा आप डैशबोर्ड के अंदर। ये हमारे पास प्लगइन्स हैं, अगर हम इसको दोबारा से, अगर मैं आप लोगों को थीम इंस्टॉल करना भी साथ लगते हाथ इंस्टॉल करना भी बता ही दूं, हम थीम्स के अंदर जाते हैं और ये जो ओशन WP का थीम है, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। कंफर्म किया और यहाँ से आए तो ये अब ओशन WP मेरे इस सेक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, द थीम इज़ ब्रोकन रिवर्टिंग द फाइल्स, इसको मैं एक्टिवेट इसको कर लेता हूँ ताकि कोई और मसला ना बने। अब देखो जो WP ओशन था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है और मेरी वेबसाइट की लुक भी चेंज हो चुकी है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं कि wordpress.org से हम जो थीम है, क्या नाम था, WP ओशन थीम वर्डप्रेस, तो हम wordpress.org से डाउनलोड कर रहे हैं। PHP इंस्टॉल नहीं हो रहा है, रिपीट कर दें, कैसे करना है, चले मैं कर देता हूँ। इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ से और अपने सी पैनल के अंदर वो जो हमारी डायरेक्टरी है इस फाइल मैनेजर के अंदर पब्लिक अंडरस्कोर HTML की, ठीक है, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है और ये पब्लिक अंडरस्कोर HTML है, इसके अंदर जाएंगे जी और इसके अंदर WP कंटेंट है और ये प्लगइन्स, ये थीम्स, तो हमने थीम इंस्टॉल करना है तो थीम के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे हमने अपलोड करना है इस WP ओशन के थीम को, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक न्यू फाइल खुलेगी, यहाँ पे मैंने इस फाइल को ड्रैग करना है, ये ड्रैग किया, ये अपलोड हो जाएगा सारे का सारे यहाँ पे। जैसे ये लाइन ग्रीन हो जाएगी, वैसे ही हम यहां पे आएंगे और इसको कर लेंगे रीलोड। रीलोड किया तो देखें ये जिप फाइल यहां पे अपलोड हो चुकी है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूं, ठीक है, और वो कहते हैं कि इस फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करना है, मैंने कहना जी ठीक है थीम्स वाले फोल्डर में ही एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये सारी वो फाइल्स हैं जो इसने अभी के अभी एक्सट्रैक्ट की हैं इसकी, और इसको कर देते हैं क्लोज। फिर दोबारा से मैं रीलोड करता हूं तो अब देखें ओशन WP का ये फोल्डर मेरे पास बन गया, अब मुझे इस फाइल की जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैनेज थीम्स के अंदर दोबारा से आए, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, तो अब हमारे पास ये थीम यहाँ पे आ चुका है, इसको मैं करता हूँ एक्टिवेट। अब मुझे इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने सारी फाइल्स अपनी डायरेक्टरी के अंदर रख दी थी, अब सिंपल हम कर रहे हैं उसको एक्टिवेट। अच्छा जी, अपडेट है सिक्योरिटी की, सेंसिटिव है ये वो सारा कुछ, इसको मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ स्किप। ठीक, अच्छा जी, सेव चेंजेस, अपलोड योर लोगो, फेविकॉन, प्राइमरी कलर आपका क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, इनकी चेंजिंग वगैरह यहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो हैं वो इसका डेमो वगैरह इम्पोर्ट कर सकते हैं। ये क्या जी, टेक योर वेबसाइट टू द नेक्स्ट लेवल, गेन एक्सेस टू ऑल प्रीमियम एक्सटेंशन विद अ सिंगल परचेज, यहाँ पे आप लोग इसका कोई खरीद लेंगे इंपोर्ट वगैरह तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल डेमोज का एक ऑप्शन आ जाएगा इसके थीम पैनल के अंदर,
इंस्टॉल डेमोज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सारे के सारे डेमोज हैं जो हमें मिल जाएंगे, हम उनको यहाँ से सिलेक्ट करके उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्लगइन्स हैं वो उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा वन बाय वन। हाँ जी ठीक है नासिर, मैं इंशाल्लाह आज पक्का हो जाएगा। ग्रामरली का वो जो लॉगिन है मैं कर दूंगा। असल में ये जो वीकेंड गुजरा है इस वीकेंड के ऊपर मैं उन्हीं साइट्स को देखता रहा हूँ जो ये वर्डप्रेस और एलिमेंटर के फड्डे की वजह से बंद हुई थी, लेकिन अभी उसका कोई खासा हल निकला नहीं है। और आज भी ये जो मसले मसाइल हमें चल रहे हैं, एलिमेंटर इंस्टॉल नहीं हो रहा या फिर हमारा डेमो इस वजह से रुका हुआ है, वो भी इसी वजह से है कि वर्डप्रेस और एलिमेंटर का आपस में एक क्लैश हो गया। होप्स हो के ये जल्द अज जल्द जो है वो ठीक हो जाएगा। ले जी इसको एक्टिवेट किया, WP फॉर्म्स को कर लिया। असल में एलिमेंटर जो फ्री वाला वर्जन है वो इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करते हैं तो आपकी साइट जो है वो क्रैश हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। WP फॉर्म्स इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। WP फॉर्म्स का प्लगइन भी एक अच्छा प्लगइन है जी, जो आपके फॉर्म्स होते हैं वो क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आप लोग इसको बाद में भी इसको चेक कर सकते हैं, आज भी अगर टाइम मिला तो इसकी कस्टमाइजेशन थोड़ी सी देख लेंगे हम। WP फॉर्म्स द वर्ल्ड बेस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वर्डप्रेस फॉर्म्स। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा जी, ये अपना इंजीनियर अली गौहर साहब का सवाल है, वो कह रहे हैं सर मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट डिजाइन करने का सोच रहा हूँ, एक्सपर्ट इमर्जिंग फोर्स ऑफ पाकिस्तान। सर इस तरह की वेबसाइट का लेआउट दिखा दें जिसमें मोटिवेशन और स्किल्स इंप्रूवमेंट पर काम किया जा सकता है। इसके लिए बेस्ट वे तो यही है कि आप एलिमेंटर के अंदर खुद से डिजाइन कर लें। दूसरी चीज ये है कि आपको बने बनाए टेम्पलेट्स लेआउट्स भी मिल जाएंगे और थीम्स के डेमोज भी आप लोगों को मिल जाएंगे, उनको भी आप कस्टमाइज करके अपनी मर्जी से कस्टमाइज करके देन इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपल एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट ही बनानी है जिसके अंदर आपने ये चीजें जो है वो पाकिस्तान के बारे में, इमर्जिंग फोर्स के बारे में या इस तरह की चीजें बतानी है, तो आप लोग कर सकते हैं कस्टमाइजेशन करके वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये जब हमारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी, हमें एलिमेंटर का इस्तेमाल करना आ जाएगा, हमें वर्डप्रेस के ऊपर कस्टमाइजेशन क्लियर हो जाएगी, तो फिर आप हर किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि कोई लेआउट आपके पास पास हो और फिर आप उस जैसी वेबसाइट बना रहे हो, बल्कि आपकी अपनी डिजाइनिंग सेंस जो है वो अच्छी हो जाएगी तो फिर आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। चलो भाई चलो जल्दी इंस्टॉल कर दो इसको। ये थोड़ा सा टाइम लगता है जी इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करने में, क्योंकि वर्डप्रेस ने इनको जो है वो लेना होता है, सर्वर से डाउनलोड करना होता है और देन हमें इंस्टॉल करके देना होता है। सर समटाइम्स दिस एलिमेंटर क्रैश हैपेंस ड्यू टू नॉन कंपेटेबिलिटी इशू ऑफ एलिमेंटर एंड वर्डप्रेस, इफ यू हैव वर्डप्रेस लेटेस्ट वर्जन एंड ओल्ड वर्जन ऑफ एलिमेंटर। हाँ जी सर ना ऐसे ही है बिल्कुल, मैंने कुछ ओल्ड वर्जन भी इंस्टॉल करके देखे हैं वर्डप्रेस के, लेकिन वर्डप्रेस पुराने वर्जन के ऊपर भी एलिमेंटर को अलाउ नहीं कर रहा, तो ये मसला चल रहा है अभी सबको यार। कंपेटिबिलिटी का ही जाहिर बात है इशू है, और आई डोंट नो कि कब तक चलेगा। होप्स हो के जल्दी ठीक हो जाएगा। ये जो ओशन स्टिकी हेडर है, ये गेट दिस एड ऑन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रीमियम है एड ऑन, इनकी हमें जरूरत भी नहीं है, इनको हम
रही है सब लोगों को आवाज? अब तो नहीं है जी किसी को मसला। लाइट जो है वो दोबारा से वापस आ गई है और कुछ देर के लिए गई थी, आई डोंट नो व्हाई, पहले तो नहीं जाती। ठीक है जी, अब क्लियर है सब लोगों को आवाज का मसला तो नहीं है किसी को? जल्दी से आ जाए जरा वापस ताकि दोबारा से क्लास शुरू करें। ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे भाई? डेमो, हाँ, वर्डप्रेस फॉर्म्स। अब आई थिंक सो ये इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि दरमियान में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं गो टू द नेक्स्ट स्टेप करके देखता हूँ अगर हो जाए तो। वो कहते हैं जी इंपोर्ट एक्सएमएल डेटा, पेजेस, पोस्ट, इमेजेस, मेन्यूज, कस्टमाइज्ड सेटिंग्स, विजेट्स, कॉन्टेक्ट फॉर्म्स, तो ये सारे के सारे हम कहते हैं इंस्टॉल कर लो। तो वो उसकी इंस्टॉलेशन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, नहीं आता तो ना सही, फिर हम भी नहीं कर रहे इसको, सी द रिजल्ट। तो अभी वो रिजल्ट वैसे ही होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई डेमो शेमो इंस्टॉल नहीं हुआ। आई थिंक सो कि ये सारे का सारा मसला सिर्फ उसी झगड़े की वजह से आ रहा है, लेकिन चले हम इसको अभी फिलहाल रीसेट करते हैं। मैं यहाँ से प्लगइन्स के अंदर जा रहा हूँ। अटेंडेंस लगा लें जी सब लोग, अटेंडेंस लाजमी है, लेक्चर के बाद या पहले लगा लिया करें, लेक्चर के दरमियान में फिर जब आप लोग जाते हैं तो फिर वो चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी फिर उसकी। ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं इसके ये सी पैनल के अंदर हूँ, फाइल मैनेजर में, और इसके पब्लिक एचटीएमएल के अंदर कंटेंट, और ये है हमारे पास थीम्स, ये ओशन डब्ल्यूपी को मैं यहां से कर रहा हूँ डिलीट। दोबारा से मैं अपीयरेंस वाले सेक्शन के अंदर जाता हूँ। आई थिंक सो ये कि पूरे फैसलाबाद में ये इशू आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का आज। दूसरे ऑफिस से भी कॉल्स आ रही हैं कि उनकी लाइट भी जो है वो बंद हो गई है। ठीक है, वापस आ रहे हैं। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अभी अगर हम ट्राई करते हैं किसी और डोमेन के ऊपर ये काम करने का, तो कोई डोमेन अगर मुझे पास फ्री पड़ी है, इसके मैं सी पैनल में जाता हूँ। और इसके ऊपर नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देखते हैं। यूजर नेम तो अल्लाह के बंदो फेच कर लिया करो। ठीक है, लॉगिन करते हैं और इसके हम वर्डप्रेस वाले सेक्शन में चलते हैं। ये हमारे पास सॉफ्ट क्लॉस ऐप इंस्टॉलर है। और यहाँ पे हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन ऑलरेडी जो पड़ी हुई है वो है। हम कहते हैं हम एक और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसकी किसी डायरेक्टरी के अंदर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसकी मेन डोमेन के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसकी किसी डायरेक्टरी में इंस्टॉल करते हैं। मैं पुराना वर्जन कर लेता हूँ, यहाँ से 5.4.2 जो वर्जन है वो इंस्टॉल किया HTTPS के साथ cracksking.com इसके ऊपर। और यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम मैं रख लेता हूँ, हम डायरेक्टरी का नाम रखते हैं लेट सपोज /WP ही रखते हैं फिलहाल। ठीक है, WP की डायरेक्टरी है, एडमिन, एंड इसका पासवर्ड डाल देते हैं एक। क्लासिक एडिटर चले कर देते हैं इंस्टॉल, और यहां से हमने इसको कर दिया इंस्टॉल। तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली डेटाबेस बनाएगा, सारे का सारा काम करेगा,
और हमारे लिए एक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो तैयार कर देगा। देखें जी, अब हमारी वेबसाइट का नाम है cracksking.com/wp। इसके ऊपर ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। इसके हमने एडमिन पैनल में जाना है, तो इसके बाद अगेन wp-admin लिखना पड़ेगा। तो एडमिन के अंदर जाएंगे तो वो यूजर नेम और पासवर्ड देंगे जो हमने इसकी इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिया था, एडमिन एंड दिस वन। ओके, तो लॉग इन करते हैं, जरा इसको चेक करते हैं। तो ये हमारा लॉग इन हो चुका है। इसके अंदर हम अपीयरेंस के अंदर थीम्स में वो थीम इंस्टॉल करके चेक करते हैं कि यहाँ पे भी वो मसला आ रहा है या फिर सिर्फ हमारे साथ उसी डोमेन के ऊपर कोई मसला है। ऐड न्यू किया, यहाँ पे हमने उस थीम का नाम लिखा ocean wp। ये ocean wp हमारे पास आ गया, इसको हमने यहाँ से कर लिया इंस्टॉल। दो तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं वर्डप्रेस के थीम इंस्टॉलेशन के। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्टरी के अंदर से डायरेक्टली हम उसको सर्च करें और यहाँ से इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग इसको अपलोड कर सकते हैं wordpress.org से डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर दें। तीसरा तरीका ये है कि सी पैनल के अंदर इसकी wp कंटेंट के फोल्डर के अंदर जाके थीम्स के फोल्डर के अंदर इसकी जो जिप फाइल है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वाला थीम जो है वो अपियरेंस के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा काम सिर्फ ये रह जाएगा कि हमने देन उसको एक्टिवेट करना होगा बस। ठीक है जी, इंस्टॉल हो गया, तो अब हम इसको करते हैं एक्टिवेट। और वो कहता है जी दिस थीम रिकमेंड्स दिस 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 सारे के सारे वो प्लगइन्स, उनको इंस्टॉल करते हैं। एक ही प्लगइन कह रहा है, आमतौर पे ये पहले एलिमेंटर को भी रिकमेंड करता होता था और अब ये एलिमेंटर को रिकमेंड नहीं कर रहा। अजूबे की बात ही है। ठीक है, तो ये सारे का सारा उस क्लैश की वजह से ही है। यहीं पे नहीं तो वो एलिमेंटर को कहता था कि आप एलिमेंटर को भी साथ ही इंस्टॉल कर लें। आई थिंक सो के वही मसला है, लेकिन आई होप सो के इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो रिकमेंडेड प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, उनके बगैर काम नहीं चलेगा। डेस्टिनेशन फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो कहता है कि ऑलरेडी आपके पास ये प्लगइन एग्जिस्ट कर रहा है, दोबारा दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर सकते। यहाँ से मैं इसको एक्टिवेटेड ही है हमारे पास ओशन एक्स्ट्रा, हाँ जी एक्टिवेटेड, लेकिन ठीक से एक्टिवेटेड नहीं है। ठीक है, वो वही मसले हैं फिर एलिमेंटर के। ठीक, चले हम भी करके ही हटेंगे, कोई मसला नहीं है। ओशन wp ना से ही तो कोई और कर लेंगे। अगर यही प्रॉब्लम चलते रहे तो हमने एलिमेंटर इस्तेमाल करना ही छोड़ देना है, हम इसकी तरफ आएंगे ही नहीं, एलिमेंटर के बगैर ही काम कर लेंगे। अब ये देखे ना, ये अलग से कह रहा है इंस्टॉल नाउ। अगर हम इंस्टॉल नाउ के बगैर करके देखें तो वो भी हो सकता है, स्टक हो जाता है। ठीक है जी, वही मसले आएंगे यहाँ पे भी, इम्पोर्ट नहीं होना क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई और थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, आज ई कॉमर्स पे बात कर लेते हैं या फिर कोई और थीम इंस्टॉल करके देख लेते हैं। चेक कर लें इसको जरा, एक दफा ट्राई कर लें, अगर होता है तो फिर रुक जाते हैं।
नहीं जी, कुछ कुछ हिलजुल हो रही है। वो कह रहा है जी डेमो इंपोर्ट कर दिया हमने, चेक करते हैं क्या क्या अपलोड किया है। अच्छा, ये वो कह रहा है कि आप लोग यहाँ से अपना लोगो वगैरह अपलोड कर सकते हैं, साइट का टाइटल रख सकते हैं, अगर हम साइट का टाइटल होस्टिंग यो रखते हैं, वर्डप्रेस ब्लॉग जो भी आपने रखना है वो रख दें, ये करके प्राइमरी कलर, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग बाद में भी चेक कर सकते हैं। इसको मैं फिलहाल कंटिन्यू करता हूँ, इनको हम बाद में कस्टमाइजेशन से जाके एडिट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी ज़रूरत नहीं है। व्यू योर वेबसाइट, ठीक है आपके हो गए हैं तो अच्छी बात है। यहाँ से हम इसको विजिट साइट करते हैं, तो अब हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ ऐसी लग रही है, जिसके अंदर कोई लेआउट्स वगैरह अभी ठीक से इंपोर्ट नहीं हुए। रिफ्रेश करते हैं ज़रा इसको, क्योंकि ये एलिमेंटर के अंदर बनी हुई है, तो जब तक एलिमेंटर इसके ऊपर इंस्टॉल नहीं होगा ना सही सही तरीके से, तब तक ये चलेगी नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं एलिमेंटर को देखते हैं कि कोई मसला तो नहीं कर रहा एलिमेंटर। एलिमेंटर को मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर रहा हूँ और दोबारा से इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। ठीक है, आप जिन जिन लोगों के ये सारे का सारा प्रोसीजर हो रहा है वो आप लोग करते जाएंगे। प्रोसीजर तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया कि आपने क्या क्या करना है। ठीक है, अगर आपका ये हो रहा है तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेता हूँ। डिलीट भी करना था, सॉरी। ये मैंने इसको किया डिलीट, तो इसका जो लेआउट है वो बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, क्योंकि ये सारे का सारा जो लेआउट है वो बना हुआ है एलिमेंटर के अंदर, तो मैं दोबारा से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और एलिमेंटर लिखते हैं यहाँ पे। इंस्टॉल नाउ, पहले एलिमेंटर जो फ्री वाला वर्जन था उस पे मसले नहीं कर रहा था वर्डप्रेस, लेकिन आज जो है फ्री वर्जन पे भी कर रहा है। पहले मैं प्रो जैसे ही अपलोड करता था तो वो साइट क्रैश करती थी, लेकिन आज के जो हालात हैं वो फ्री वाले पे भी ऐसे ही है। इसके भी वही सेम दो तरीके हैं कि आप लोग, एक तो ये है कि जैसे हमने यहाँ से किया एलिमेंटर सर्च करके, वैसे ही हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं एलिमेंटर लिखूँ, एलिमेंटर प्लगइन वर्डप्रेस, तो उसको wordpress.org से हम डाउनलोड करें और इसके सी पैनल के अंदर जाके, ये क्रैकस्किंग का सी पैनल है, इसके फाइल मैनेजर में जाते हैं। अब जो है वो हमने, क्योंकि आप लोगों को याद है डायरेक्टरी के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास, रिफ्रेश कर लूँ उधर, देखते हैं साथ साथ प्लगइन इंस्टॉल हो गया कि नहीं। हाँ जी, इंस्टॉल हो गया, इसका ज़रा एक्टिवेट कर लें। अब चेक करते हैं साइट को, डेमो उसका ठीक से इंपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने प्लगइन जो है वो पहले इंस्टॉल नहीं हुआ था। ठीक, आप लोग ट्राई करके देखें अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, खुद से ट्राई करें कि ओशन WP को इंस्टॉल करें और जो जो प्लगइन्स वो कह रहा है उनको जो है वो वन बाय वन इंस्टॉल करके डेमो को इंपोर्ट करें। कोई भी डेमो इंपोर्ट कर लें, ई कॉमर्स का कर लें, आप लोग मेगा जिम का डेमो है जो मैं इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं।
मैंने ऐसा ना वर्डप्रेस का पुराना वर्जन ही जो है वो इंस्टॉल किया है इसके ऊपर। 5.4 वर्जन जो है वो इंस्टॉल्ड है, 5. जो है वो 5 इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है, वेरी गुड। जिन लोगों का हो गया है, और कौन 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 लोग हैं? सेम प्रोसीजर यही है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, और आप लोग एलिमेंटर इंस्टॉल कर चुके हैं अगर, तो अच्छी बात है उसके ऊपर। हाँ, बस फिर वो डेमो इंपोर्ट नहीं हुआ ना ठीक से। व्यू अगर आपका जो है वो मैगाजिम के प्रीव्यू जैसा आ जाता है, फिर इसका मतलब डेमो इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन उसका भी इंशाल्लाह देखते हैं, कोई हल निकालते हैं आजकल में। एक और ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इंशाल्लाह इसका कोई और हल निकालेंगे। सर ये CSS वालों को बोलें, CSS या CSS, अच्छा CS वालों को बोलें कि ज़्यादा ओवर एक्ट ना किया करें, हमको भी सीखने का मौका दिया करें। काफ़ी पॉइंट्स होते हैं ये लोग यह हो गया बोलकर मिस करवा देते हैं। हाँ जी, आप सवाल अपने पूछें मुझे। इंजीनियर अली गौहर साहब, कोई आपको इनसे कोई आपको ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए। मुझे जब तक सारी चीजें सब लोगों की क्लियर नहीं हो जाएंगी, तब तक हम आगे नहीं चलेंगे। डोंट वरी, ठीक है? आपके सारे प्रॉब्लम्स फिक्स करना ही मेरा कर्तव्य है, ठीक है? आपके सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करके फिर ही हम आगे इंशाल्लाह चलेंगे। तो किसी परेशानी की बात नहीं है, सारा कुछ होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है, ये हमारा मैगजीन का ये जो लेआउट है, जिस जिसका ऐसा आ जाता है वो अच्छी बात है, लेकिन ये तब तक नहीं आएगा जब तक ये जो मसले हैं रिजॉल्व नहीं हो जाते, या फिर आपके कंपेटिबिलिटी के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं हो जाते। ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह देख लेंगे किसी और लेक्चर के अंदर। मैं कोशिश करता हूँ कि आज इन प्रॉब्लम्स को किसी तरह सॉल्व करूँ और आप लोगों को एक बेटर और आसान सोल्यूशन इसका जो है वो बता दूँ। ठीक है, तब तक हम लोग कोई और थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो जिसके ऊपर हमें लग रहा है कि एलिमेंटर को यूज करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं अभी फिलहाल एक्टिवेट करके हम पुराने वर्जन पे चलते हैं।
I found a better theme. Okay, submit and deactivate this theme. हम यहाँ पे एड न्यू करते हैं एस्ट्रा के नाम से एक थीम है, अगर उसको चेक कर लें आप लोग, तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब दुआ करेंगे इसके अंदर एलिमेंटर पंगा ना करें लेकिन एलिमेंटर इसमें भी काफी ज्यादा यूजेज होता है इसका भी, एलिमेंटर का भी, लेकिन आई विल ट्राई के हम डेमो इंपोर्ट किए बगैर कुछ चीजें एलिमेंटर की सीख सके आज। एक्टिवेट करते हैं इसको। विजिट साइट की तो अभी बिल्कुल ब्लैंक ही है, सारी बात है, हमने कोई कंटेंट तो अपलोड किया नहीं है इसके ऊपर। हाँ, ये पुराना कंटेंट अभी भी मौजूद है, उसको उससे बचने के लिए ये मैं इस तरह के प्रॉब्लम्स आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ डेमो इसने इंपोर्ट किया था यहाँ पे, तो वो पेजेस और पोस्टें जो हैं वो अभी तक लगी हुई हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आप लोगों के पास एक प्लगइन है जिसका नाम है WP रीसेट। तो हम यहाँ से उसके अंदर उसको एड न्यू करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, WP रीसेट। एक्टिवेट किया, इसके टूल्स के अंदर गए और वर्डप्रेस को जरा रीसेट कर देते हैं ताकि वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो जो डेमो इंपोर्ट हुआ था, ब्रोकन डेमो इंपोर्ट हुआ था, वो खत्म हो जाए, उसकी पोस्ट, उसकी उसकी जो सारी की सारी चीजें हैं वो डिलीट हो जाए। सर ये कैसे पता चलेगा कि किस के साथ एलिमेंटर इन्वॉल्व है? मैं बता देता हूँ, जो थीम का डेमो इंस्टॉल करते हुए वो आपको रिकमेंड कर रहा है कि एलिमेंटर है, और आप किसी भी, वैसे तो पेज को, किसी भी पेज को आप एलिमेंटर से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कुछ थीम्स ऐसे हैं जो अपने बिल्डर के साथ आते हैं, ठीक है, कुछ थीम्स ऐसे हैं जिनको अपने बिल्डर की जरूरत पड़ती है, जैसे फ्लैटसम है, तो फ्लैटसम का अपना बिल्डर बिल्डर है जिसको हम एडिटर बोलते हैं, तो उसका नाम है UX बिल्डर, उसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो कोई किसी थीम के अंदर WP पेज बेकरी के नाम से एक एडिटर है वो यूज होता है, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा स्मार्ट और सबसे ज्यादा जिसके अंदर फीचर्स ज्यादा हैं वो एलिमेंटर है, ठीक है, तो हम उसी के ऊपर ज्यादा इंशाल्लाह फोकस करेंगे। तो मैं अभी एस्ट्रा को दोबारा से एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा। डिड यू नो एस्ट्रा कम्स विद डजन ऑफ रेडी टू यूज स्टार्टर टेम्पलेट्स? इंस्टॉल द स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन टू गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, चलें कर लेते हैं, एक्टिवेट करते हैं इसको। ये वैसे एस्ट्रा के ऑप्शंस भी आ रहे हैं यहाँ पे, इनमें से भी जाके हम लोग इसके जो डेमोज हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है जी, वो कहता है कौन सा पेज बिल्डर आप यूज करना पसंद करेंगे? गटेनबर्ग इसका अपना है, एलिमेंटर जो है वो दूसरा है, सब लोगों को पता है, और एलिमेंटर को मैंने अभी फिलहाल यहाँ से चूज किया, वो रिफ्रेश हो रहा है और अगले पेज पे जाएगा, अभी रीडायरेक्ट करेगा हमें। अच्छा जी, अब ये वो सारे के सारे डेमोज हैं जो हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, जिनके ऊपर कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे आप लोगों को, ये जो डेमो है ये नजर आ रहा है लर्न डैश अकेडमी के नाम से, ये डेमो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, एक वेबसाइट मैंने डेवलप करके दी थी उस विन स्टूडेंट को, और वो डेमो था graphite.com के ऊपर, जिसके ऊपर कोर्सेज की वेबसाइट बनाई थी हमने, ठीक है, लर्न फ्रॉम graphite, और उसकी ये उसने ये, मैं इस तरह का कार्टून आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग उसके लिए यूज कर सकते हो कि आप जो फाइवर के पोर्टफोलियोज है, फाइवर का जो पिक्चर है उसके ऊपर इस तरह की पिक्चर को लगा सकते हो अपनी, खुद से कार्टून जो है वो क्रिएट, कार्टून कैरेक्टर क्रिएट हो जाते हैं लड़कियों के लिए खास तौर पे। तो ये उसका डेमो है जो हमें फ्री में मिल रहा है, ठीक है, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई और डेमो हमें अच्छा लगता है, ये पेट केयर का है या आउटडोर एडवेंचर का है
ये कस्टम। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि जो हमने करने हैं वो फ्री हो अभी फिलहाल। ये जी लाइफ कोच का, ये म्यूजिशियन का है, ये इंस्पिरेशनल स्पीकर का है, ठीक है, वुमेन इन एक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए है। मूविंग सर्विसेज का है, ये भी एक बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री है मूविंग सर्विसेज की। मेरी एक वेबसाइट है इसके ऊपर, वेल मूवर्स के नाम से। अब इसको क्या हो गया, हर तरफ कुछ ना कुछ मसले, कोई ना कोई आ रहे हैं। इतना सा डाउनलोड करती है, फिर उसके बाद रीडायरेक्ट हो जाती है। इसके भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। बहरहाल मैं वैसे ही डिस्क्राइब कर देता हूँ आप लोगों को। मूवर्स कंपनी होती हैं जो आप लोगों की जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती हैं। उनकी कुछ ट्रक्स या फिर उनकी व्हीकल्स ऐसी होती हैं जिनके जरिए ये सारे का सारा वो काम जो है वो कर लेती हैं। अच्छा जी, इसमें से जो भी अब आप लोगों को पसंद आएगा डेमो, आप लोग इसमें से इंस्टॉल कर ले, चाहें तो फ्री भी रख सकते हैं। ये प्लांट शॉप का है हमारे पास, ये कॉस्मेटिक स्टोर का है, ये भी एक अच्छा डेमो है और बहुत अच्छी मार्केट है कॉस्मेटिक्स की। आप लोग इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो ये इसका होम पेज है, ये इसका टेस्टिमोनियल्स का पेज है, ये इसका अबाउट अस का पेज है, ये कॉन्टेक्ट अस का पेज है। तो ये सारे के सारे जो है वो हो जाएंगे। इम्पोर्ट कंप्लीट साइट का ऑप्शन आ रहा है, इम्पोर्ट करते हैं जी इसको, चेक करते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। डिलीट प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट, वो हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। इंपोर्ट कंटेंट, इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन्स, इंपोर्ट विजेट्स, ये सारे का सारा काम करना है उसने। चलें जी इंपोर्ट करते हैं और दुआ भी करते हैं कि ये अब दोबारा से जो प्लगइन है हमारा एलिमेंटर का, वो इसके साथ कोई इशू ना करे। ठीक है, वो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं वो उनको वन बाय वन इंस्टॉल और एक्टिवेट कर रहा है। उसके बाद फिर देन वो इंपोर्ट करना शुरू कर देगा डेटा को। सक्सेसफुली एक्टिवेटेड द प्लग इन एलिमेंटर, हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स, ठीक है गुड। अब वो इम्पोर्टिंग उसकी जो है वो स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है और फाइबर के ऊपर अगर आप सर्च करें कि इंस्टॉलिंग अ थीम सेम लाइक डेमो, तो ये वो प्रोसीजर है जो आज हमने पढ़ा है कि हम इसके जरिए कैसे एक थीम इंस्टॉल कर सकते हैं जो बिल्कुल सेम डेमो की तरह का होगा। यूजर आपको जो है वो लिंक भेज देगा उस थीम का, या फिर वो कहेगा कि मेरी वेबसाइट इस किस्म की दिखनी चाहिए, तो आप उसको डेमो इंस्टॉल करके दोगे। जैसे हमने अभी मेगा जिम का डेमो देखा, या फिर हमने डब्ल्यू पी ओशन के कुछ और डेमोज देखे, तो उनके लिंक्स हो सकता है वो क्लाइंट आपको भेज दे और आपसे कहे कि ये आपने सारी की सारी कस्टमाइजेशन करके, प्लगइन्स इंस्टॉल करके आपने मुझे ये इसका जो है वो सारे का सारा काम करके देना है। अभी हम कॉस्मेटिक स्टोर का एक जो है वो बना रहे हैं। एस्ट्रा एक बहुत अच्छा थीम है और एस्ट्रा के ऊपर ही ये जो ग्रेफाइट मैंने आप लोगों को आज दिखाई है, एस्ट्रा के अंदर ही बनी है और इसी का जो एक लेआउट है लर्न डैश एकेडमी के नाम से, वो इसके ऊपर यूज किया गया है। नहीं जी, इम्पोर्टिंग इम्पोर्टिंग उसकी स्टार्ट हो गई है, वो कंटेंट को इम्पोर्ट कर रहा है वन बाय वन। असल में होता ही है कि ये जो पिक्चर्स, जो प्रोडक्ट्स सारी की सारी जो हैं डेमो प्रोडक्ट्स होती हैं, वो हमने इंपोर्ट करनी होती हैं अपने इस डैशबोर्ड के ऊपर। तो ये वन बाय वन अब उनको इंटरनेट से कनेक्टेड तो हैं हम,
तो ये डाउनलोड करेगा और हमारे सर्वर के ऊपर, हमारी डोमेन के ऊपर उनको अपलोड करेगा। मीनवाइल अगर आप लोगों के कोई कंफ्यूजन हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। एस्ट्रा वाला डेमो सही से इंपोर्ट हो गया है। चलें जी, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। 30%, 98% कंप्लीट। चलें, आई थिंक सो के हो जाएगा। इंपोर्ट कंप्लीट हो गया जी। ठीक, इंपोर्टेड सक्सेसफुली, द वेबसाइट इंपोर्टेड सक्सेसफुली, गो अहेड, कस्टमाइज द टेक्स्ट, इमेजेस एंड डिजाइन टू मेक इट योर्स। ठीक है, तो व्यू करते हैं साइट को। अब मेरी जो वेबसाइट थी cracksking.com/wp, जिसके ऊपर हमने इंस्टॉल किया था, अब उसकी जो लुक है वो कुछ ऐसी हो चुकी है। ठीक है जी, अब इसके लेआउट्स ठीक से इंपोर्ट हुए हैं और आपके जो सेक्शंस हैं वो यहाँ पे बन चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं डेमो इंपोर्ट करने में। ठीक है, वो WP ओशन को थोड़ा सा हो सकता है मसला हो एलिमेंटर के साथ, लेकिन एस्ट्रा को अभी तक कोई मसला नहीं है। एस्ट्रा ने ये काम जो है वो कर दिया है। सर, डेमो पे कंप्लीट वेबसाइट बना सकते, ये देखें जी कंप्लीट हो गई वेबसाइट। अब सिर्फ अगला काम हमारा क्या है, अगला काम ये है कि यहाँ पे उसने अपना लोगो लगाया, हमने अपना लोगो लगा देना है। ब्यूटी प्रोनाउंस लिखा है उसने, हम चेंज करके यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं। लॉरम इप्सम उसने लिखा है, हम इसको चेंज करके कुछ और लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसने डमी कंटेंट डाला है ना, हम अपने बारे में लिख देंगे। फिर उसके बाद ऐड अ फ्लेवर टू बीइंग, अगर यहाँ पे अगर उसकी ये प्रोडक्ट्स हैं तो हम इनको चेंज करके अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर यही पिक्चर हमें यहाँ पे चाहिए तो ठीक है, वरना डिलीट करके नया। तो मतलब लेआउट्स बने बनाए हमें मिल जाते हैं, इसको हम डेमो बोलते हैं, कि बनी बनाई प्रोडक्ट्स, बने बनाए सेक्शंस, बनी बनाई चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। ये शॉप का पेज है, शॉप के पेज के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे वो जो प्रोडक्ट्स डेमो के अंदर हमने इंपोर्ट किए हैं ना, वो यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो शॉप के पेज के अंदर मौजूद हैं। ये टेस्टिमोनियल्स, तो टेस्टिमोनियल्स देख लेते हैं इसके। ठीक है जी, ये मतलब लोगों ने उसके बारे में क्या क्या रिव्यूज दिए हैं, उनको चेंज कर सकते हैं आप लोग। अबाउट अस पे जाते हैं तो ये आपका अबाउट अस का पेज खुल गया। तो इसका भी ये कंटेंट ही चेंज करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, फिर इसके कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाते हैं। सर, डेमो में थोड़ी बहुत क्या, सारी चेंजेस भी करनी हो तो हम इसको अब एलिमेंटर से चेंज कर सकते हैं। मैं जैसे अब होम पेज के ऊपर जाता हूँ और इसका जो है, मैंने मुख्तलिफ चीजें, लेट सपोज मैंने चेंज करनी है, तो मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास चीजें आ गई, इसको मैं एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मुझे एलिमेंटर के अंदर इस साइट को ओपन कर देगा और हम इसकी कस्टमाइजेशन जो है वो कर सकेंगे। अगर ये मसला ना करे तो, जैसा आजकल मसला आ रहा है एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो के साथ। सर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस थीम का डेमो है जो हमें क्लाइंट हमें देगा? देखिए, हर एक थीम के बहुत सारे डेमोज होते हैं और आपका क्लाइंट कहता है कि जी फलां थीम है, ठीक है, उसका फलां डेमो मुझे इंस्टॉल करके दो, तो बस इसमें पता चलने वाली कौन सी बात है? या फिर आपके पास सीधा सीधा, मैंने आपको एक टूल बताया था, अगर क्लाइंट कहता है मुझे इस जैसी वेबसाइट बनवानी है, तो WP थीम डिटेक्टर के नाम से मैंने आप लोगों को एक टूल बताया था जो आपको ये तक बता देता है कि इस वेबसाइट के ऊपर कौन सा थीम इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये WP थीम डिटेक्टर, और इसके अंदर मैं अपनी कोई वेबसाइट डाल देता हूँ, जैसे सजावट है, सजावट डॉट हाउस। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिखा तो ये मुझे बता देगा कि ये वेबसाइट जो है वो फ्लैटसम थीम के अंदर बनी हुई है। सर, कुछ लोग कहते हैं फ्री थीम पे क्लाइंट की वेबसाइट नहीं बनानी चाहिए। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो थीम आपने wordpress.org से डाउनलोड किया है या जो थीम आपने इंस्टॉल किया है डायरेक्टरी से वर्डप्रेस की, वो एक लीगल थीम है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट की वेबसाइट हो चाहे किसी की भी वेबसाइट हो। अच्छा, अब वो सवाल था कि इसको चेंज कैसे करना है, तो अब ये सारे के सारे सेक्शन मुझे एलिमेंटर में मिल गए। मैंने यहाँ पे ब्यूटी प्रोनाउंस लिख देना है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया,
तो यहाँ पे ये ब्यूटी प्रोनाउंस लिखा आ गया, इसको मैं डिलीट करूंगा। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से जो भी चाहूंगा वो लिख दूंगा, ब्यूटी दैट यू डिजर्व, ठीक है। अच्छा, इसको अगर ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको हम यहाँ से इसके स्टाइल में जाएंगे, इसका जो ये टाइपोग्राफी है इसको एडिट करेंगे, और इसका ये जो साइज है इसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ज्यादा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। या ये कर लें या फिर आप इसको ऐसे कर लें। अच्छा, ये चेंज कर लिया, फिर यहाँ पे ये लॉरम इप्सम आ रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे ये पेंसिल का निशान बना है ना, तो इसके ऊपर क्लिक कर लें, या चाहे इस सेक्शन के ऊपर क्लिक कर लें तो ये लॉरम इप्सम आ रहा है। इसकी जगह पे आप जो भी अपने कंपनी के बारे में लिखना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे टाइप करते जाएं और उसको लिखते जाएं। ये व्यू मोर का बटन है, इस व्यू मोर के बटन को जो है आप लोग चाहते हैं कि व्यू मोर ना हो बल्कि ये लिखा हुआ हो सी मोर, तो इसको मैंने यहाँ से खत्म किया, यहाँ पे मैंने व्यू की जगह पे सी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसके बैकएंड पे जो भी लिंक लगाना है आप लगा सकते हैं। मैं अगर चाहता हूँ कि जी अगर इन्होंने सी मोर करना है तो वो मेरे अबाउट अस वाले पेज के ऊपर चले जाएं, तो मैं जाता हूँ cracksking/wp, जो मेरी मेन वेबसाइट है, ताकि मैं उसका अबाउट अस पेज का लिंक उठा सकूं वहां से। ये है जी अबाउट वाला पेज, तो अबाउट वाले पेज का ये मैंने लिंक उठाया, यहाँ से कॉपी किया और एलिमेंटर के अंदर आके ये लिंक वाला जो सेक्शन था इसके अंदर मैंने उस लिंक को पेस्ट कर दिया। इसका साइज स्मॉल रखना है, मीडियम रखना है, अगर मीडियम करेंगे तो इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा। आप लोग इसको यहाँ से चेंज करने की बजाय, अगर मैं इसको यहाँ से स्मॉल ही रहने दूँ तो आप लोग इसको चेंज कर सकते। आइकन लगाना है इसके अंदर, कोई आइकन की लाइब्रेरी है सारी की सारी, उसके अंदर आप लोग सी मोर का कोई आइकॉन देख लें, सी मोर का नहीं है व्यू का देख लें, या कोई भी आइकॉन आप लोग इसके अंदर लगा सकते हैं। डिटेल्स का है कोई? अच्छा जी, फीचर्स इधर है और ये फिर एक और फीडर है। अच्छा, फीडर की बजाय अगर हम इसको ये वाला कर देते हैं, एरो का साइन लगा देते हैं यहाँ पे, इधर को जाने वाला एरो, ठीक है, वो लगा दिया और इसको हमने इंसर्ट किया, तो ये देखें बटन के अंदर ये एक छोटा सा एरो जो है वो यहाँ पे लग चुका है, और हमने इसके पीछे बैकएंड के ऊपर लिंक भी लगा दी। इसको यहाँ से मैंने किया अपडेट और मैं अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, मेन होम पेज के ऊपर, तो देखें अब cracksking.com ब्यूटी दैट यू डिजर्व आ गया, ठीक है। और ये वो जो डमी कंटेंट मैंने चेंज करके यहाँ पर डाला था, ये सी मोर का बटन भी आ गया और इसके अंदर ये आइकन भी लगा हुआ है छोटा सा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये आपको उस सेक्शन के ऊपर ले जाएगा, अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस के पेज पे ले जाएगा। कितना फायदा था एलिमेंटर का, अभी भी है फायदा, डोंट वरी, इंशाल्लाह एलिमेंटर कहीं नहीं जाएगा। एलिमेंटर ने एक बहुत बड़ी मार्केट टारगेट कर ली है और ये जो वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं एलिमेंटर को कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद ईच एंड एवरी थिंग इज कस्टमाइजेबल, यहाँ पे आप हर एक सेक्शन को जाके अपना टेक्स्ट उसके अंदर डाल सकते हैं, अपनी पिक्चर्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आपने इस सेक्शन को अपडेट करना है तो इसके ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है, आपने इमेजेस चेंज करनी है, तो ईच एंड एवरी थिंग आप लोग जो सोच सकते हैं ना एलिमेंटर के ऊपर आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप लोगों ने सवाल पूछने हैं, जितने पूछेंगे उतना ज्यादा आप लोग सीखेंगे, और ये सीजन सेल, फ्री शिपिंग, मनी बैक गारंटी, हर एक चीज यहाँ पे आप लोग की कस्टमाइजेबल है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका टेक्स्ट आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे साइड बार में, और हम इसको वन बाय वन एडिट करते जाएंगे और डिलीट करते जाएंगे जैसे हम चाहेंगे, ठीक है जी। और कोई सवाल है? आज का जो टॉपिक था वो यही था कि हमने सेम डेमो की तरह की वेबसाइट कैसे बनानी है। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो ये होगा कि हमने इस वेबसाइट को अपने लिए कस्टमाइज कैसे करना है, और एलिमेंटर को ही इस्तेमाल करते हुए हमने मुख्तलिफ किस्म के जो काम है वो कैसे करने, ठीक है। कोशिश करें कि आप लोग WP ओशन का जो थीम है उसका भी, मेगा जिम का जो डेमो है, जिन लोगों के पास इंस्टॉल हो चुका है
वो उसको इंस्टॉल करें, ठीक है, और उसके ऊपर भी काम करें। वो भी एक अच्छा डेमो है, अच्छा थीम है, जिसके ऊपर हम लोग वर्डप्रेस की बहुत सारी लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का जो दिन था, हमें कितना टाइम हुआ है ये तो सिखाने में, और जरा ये जो प्रॉब्लम्स थे रिजॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना वर्डप्रेस का एक थीम सेम डेमो की तरह इंस्टॉल करना तकरीबन 10 से 15 मिनट का काम है। और उस 10 से 15 मिनट के काम के अंदर हम ये लुक जो है वेबसाइट की, जो वर्डप्रेस ने बनी बनाए थीम्स हमें दिए हैं, उनके लेआउट्स हैं, उनके डेमोस हैं, वो हमें दिए हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं, और देन हम इसको फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ इंस्टॉलिंग, इंस्टॉल थीम सेम लाइक डेमो। ये देखें बहुत सारे लोग हैं जो आई विल सेटअप एनी थीम फॉरेस्ट वर्डप्रेस थीम सेम लाइक डेमो, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम सेम लाइक डेमो इन 2 आवर्स, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड थीम सेम लाइक डेमो, आई विल डू इन वेटो थीम फॉरेस्ट वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन सेम लाइक डेमो। तो कितने लोग हैं, 3576 लोग जिन्होंने जो यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं और ऑर्डर्स ले रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरह की कोई किक जो है वो मार्केट के अंदर अपनी लॉन्च कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग वर्डप्रेस के थीम इंस्टॉलेशन की सर्विस दे रहे हो, और इन लोगों से अगर आप कंपीट कर सकते हैं तो आप जल्द से जल्द ऊपर आ सकते हैं। देखिए जरा कोशिश किया करें कि इन लोगों से कुछ सीखने की कोशिश किया करें। अब ये भाई साहब ने वीडियो लगाई है, तो देखिए जरा थंबनेल पीछे बैकग्राउंड जिस भी कलर का है, फाइबर के कलर के अंदर उसने जो है वो थंबनेल लगाया फाइबर का, और नीचे उसने अपना यूजर नेम दिया www.fiverr.com/FaisalWordPress1, ठीक है। तो इससे जरा लोगों को अट्रैक्ट करने का आपको फायदा होगा, और ये भी वीडियो ही लगी है, लेकिन उसने उस वीडियो का थंबनेल लगाया, हेयर आई एम टू हेल्प यू व्हाट आई विल कवर इन दिस गिग, जो भी है, ठीक है। तो मतलब ये है कि उसने अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई हैं, तो थंबनेल्स अपने साथ साथ सेट कर लिया करें। सर डेमो ओके हो गया विद प्रैक्टिस। आज का टाइम जितना भी है आप लोगों का, आज शाम तक आप लोगों ने बैठ के मुख्तलिफ किस्म के ये दो थीम बताए हैं मैंने, एक है WP ओशन और दूसरा है एस्ट्रा थीम, ठीक है, ASTRA एस्ट्रा, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है इसको, एस्ट्रा पढ़ना है, ठीक है, एस्ट्रा थीम है। तो इसके मुख्तलिफ किस्म के डेमोज आपने इंस्टॉल करने हैं, फिर उसको WP रीसेट से रीसेट कर देना है, नया थीम इंस्टॉल करके नया डेमो इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म की चीजें इसको जरा प्रैक्टिस करके देखें, ताकि आप लोगों की चीजें जो है वो क्लियर हो कि हमने जो डेमो है वो कैसे इंस्टॉल करना है। कोई और सवाल है किसी का तो वो बता दें। साजिद कह रहे हैं कि wishescorner.com चेक कर लें, चलिए मैं कर लेता हूँ, पहले भी की थी wishescorner.com। इस पे आपने DB लगा दिया, ठीक है जी, वेरी गुड। ये भी एक अच्छा थीम है पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, और बहुत अच्छा थीम है, जरूरी भी है पोर्टफोलियो। ठीक, बेहतरीन, वेरी गुड। अब ये देखें जो लोग काम करते हैं वो नजर आता है कि इन्होंने कुछ किया है, खुद से ट्राई करने की कोशिश की है, पंगे लेने की कोशिश की है, बस पंगे लेते रहा करें और ट्राई करते रहा करें मुख्तलिफ चीजों को। वेरी गुड जी, शाबाश, क्या नाम है आपका, साजिद, वेरी गुड। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही, अगर किसी का सवाल नहीं है तो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज की जो असाइनमेंट है, सब लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि क्या करना है हमने, और करना सिर्फ ये है कि ये जो दो थीम्स हमने यूज किए हैं, इनके मुख्तलिफ किस्म के डेमोज आप लोगों ने वन बाय वन इंस्टॉल करके देखने हैं, और कोशिश करें WP ओशन के मुख्तलिफ डेमोज आप लोग इंस्टॉल करें और उनको चेक करते रहें, ठीक है।
वेबसाइट का नेम तो विशेज है और अंदर पोर्टफोलियो है, वो कोई मसला नहीं है, अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है बेचारा, ठीक है, डोंट वरी सर। एक वेबसाइट पर दो थीम यूज हो जाते हैं, अगर हम एक पेज पर एक थीम यूज करें सेकंड पर और, नहीं जी ऐसा नहीं कर सकते, एक वेबसाइट के ऊपर आप लोग एक थीम ही इंस्टॉल करेंगे। उसका हल ये है कि आप लोग एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें, जैसे मैंने किया है, cracksking.com जो है उसके ऊपर एलिमेंटर से कस्टमाइजेशन करके, हेलो एलिमेंटर का थीम इंस्टॉल्ड है इसके ऊपर, ठीक है, और खुद से एलिमेंटर के अंदर सारी की सारी कस्टमाइजेशन की है। दूसरा तरीका यह है कि आप लोग इसकी डायरेक्टरी के अंदर /WP की डायरेक्टरी खुद से क्रिएट कर लें और उसके अंदर अलग से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें, जैसा आज हमने लेक्चर के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल भी किया इस डायरेक्टरी के अंदर, और उस वर्डप्रेस के ऊपर हमने एक नई साइट भी बनाई है जिसका नाम है cracksking.com/WP, ठीक है, और उसके ऊपर हमने ये डेमो जो है वो इंस्टॉल किया, ठीक है। तो ये इस तरह हो सकता है कि आप लोग फिर उसी डोमेन के ऊपर एक डायरेक्टरी और इंस्टॉल करें, उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करें और उसके ऊपर एक अलग से थीम इंस्टॉल करें, ठीक है जी। इंजीनियर अली गौहर साहब, आज की तमाम कंफ्यूजन आपकी क्लियर है? हाँ जी, सब डोमेन में भी कर सकते हैं, डायरेक्टरी में भी कर सकते हैं, अगर आपका होस्टिंग प्रोवाइडर या आपका जो होस्टिंग पैकेज है अगर आपको जो है ये देता है इजाजत कि आप सब डोमेन क्रिएट कर लें या फिर मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट कर लें, तो आप लोग कर सकते हैं। और कोई सवाल गौहर साहब? किसी का भी और कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक के रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। सब लोगों को अब डेमो इंस्टॉल करना क्लियर है? सिंपल से स्टेप्स हैं डेमो के लिए, आपने सबसे पहले थीम को इंस्टॉल करना है। थीम इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको दो तरीके तीन बताए हैं, एक तो यह है कि आप वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में से सर्च कर सकते हैं, दूसरा यह है कि wordpress.org से उस थीम को डाउनलोड करें और अपने डैशबोर्ड के अंदर अपलोड कर दें। मैनेज थीम्स के अंदर जाते हैं, ऐड न्यू का ऑप्शन है, ठीक है। तो एक तो सिंपल सा तरीका हमने ढूंढा कि जी यहां से सर्च कर लिया उस थीम को, ये वर्डप्रेस की डायरेक्टरी है। दूसरा तरीका ये अपलोड कर दिया, wordpress.org से डाउनलोड करके अपलोड कर दिया। तीसरा तरीका ये था कि हम सी पैनल में गए, पब्लिक फाइल मैनेजर के अंदर पब्लिक HTML था और पब्लिक HTML के अंदर आपका WP कंटेंट का फोल्डर था और उसके अंदर हमारा थीम्स वाला फोल्डर था, वहां पे हमने उस फाइल को जिप फाइल को अपलोड किया और एक्सट्रैक्ट कर दिया। सर होस्टिंग यू वाले इतनी स्पीड और डेटा नहीं यार, मेरी कितनी वेबसाइट्स उसके ऊपर चल रही हैं, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो कोई मसला नहीं आया। खुद क्लाउड होस्टिंग परचेज की हुई है क्लाउड होस्टिंग उसने क्यों परचेज करनी है, उसका तो अपना सर्वर है अल्लाह के बंदो। सर वेबसाइट व्यू द सेम इन ऑल डिवाइसेस, हाउ वी सेट इट? अच्छा उसके लिए देखो हम ऐसा मतलब रिकमेंडेड नहीं है कि सारी जो उसका व्यू है वो सेम हो। मैं अगर आप लोगों को कोई भी दिखाता हूँ, कौन सी वेबसाइट आज हमने बनाई है, क्रैक्स किंग, तो /WP जिसका ऑप्शन WP नहीं हो रहा है, इमरान साहब अगर आपका नहीं हो रहा तो आप वो दूसरा कर लें, एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करके देखें। सर जी न्यूज वेबसाइट जैसी बनाना भी सिखा देंगे? हाँ जी इंशाल्लाह, जो कहेंगे वो कर देंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी, वर्डप्रेस में हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, बस आप लोग थोड़ा सा मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जितना जल्दी पिक कर लेंगे चीजों को उतना जल्दी हम इसको लेके चलेंगे। अब देखें जरा, यहाँ पे मैंने इसको मोबाइल व्यू में ओपन किया है, ठीक है, मोबाइल व्यू में इसी वेबसाइट को ओपन किया तो उसकी लुक जो है वो अब ऐसी हो गई। अगर मैं इसका मोबाइल व्यू खत्म करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे देखें आप लोगों को नजर आ रहा है ये मेन्यू बार ऐसा है, ठीक है, और ये कुछ लेआउट्स हैं, एक एक रो में चार प्रोडक्ट्स नजर आ रही है, लेकिन जब मैं इसको मोबाइल व्यू में ओपन करता हूँ तो देखो ये मेन्यू बार, ये बटन लग गया है, उस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये मेन्यू बार खुल जाएगा, उसको क्रॉस करोगे तो फिर मोबाइल व्यू में यही ठीक रहेगा ना, बजाय इसके कि ये मेन्यूज यहाँ पे पूरे ही ना आते, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे देखो उसने प्रोडक्ट्स एक रो में अब दो कर दी, डेस्कटॉप पे चार थी, ठीक है। तो वो ये वर्डप्रेस जो है ऑटोमेटिकली इसको मैनेज करता है और ऑटोमेटिकली चीजों को लेके चलता है और रिस्पॉन्सिव बनाता है हमारी वेबसाइट को, तो उसकी टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं पर टेंशन लेने की जरूरत होती है, उसको हम मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। एलिमेंटर के अंदर ही जो है मुख्तलिफ किस्म के
सेक्शंस होते हैं जिसके जरिए हम डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हैं फॉर मोबाइल, फॉर टैबलेट एंड फॉर डेस्कटॉप। ठीक है, हाँ जी, सना ने भी आपको जवाब दे दिया है। उसको हम जो है एलिमेंटर से ही उसकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो इंश्योर कर लेंगे। ठीक है जी, डेमो किस थीम का है, किस वेबसाइट से पता चलता है वो बता दें। हिरा, दो थीम मैंने आपको बताए हैं, एक एस्ट्रा और दूसरा है ओशन WP। अभी फिलहाल आपका काम ये है कि इन दोनों में से पहले आपने एक इंस्टॉल करना है। वो आपसे कहेगा कि ये थीम जो है फला फला प्लगइन्स रिकमेंड करता है, तो आपने उन प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है, बिगेन इंस्टॉलिंग प्लगइन। तो वो वन बाय वन उन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद आपके पास सेटअप विजिट का एक ऑप्शन आएगा जिसके जरिए आप लोग उनमें से कोई भी डेमो सिलेक्ट करके उस डेमो को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कोई वेबसाइट नहीं है, सिंपल आपने इन थीम्स को अपलोड करना है अपनी डायरेक्टरी के अंदर और इनके सेटअप विजिट को फॉलो करना है, नेक्स्ट 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 जैसे भी आप करते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए। ठीक है जी, वर्डस्वैन की एक्सटेंशन जो है वो आपको थीम बताएगी, आपको डेमो नहीं बताएगी। ठीक है, डेमो आपको खुद ही से देखना पड़ेगा, और थीम नहीं, वो टेक्नोलॉजी बताती है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो कौन सी इस वेबसाइट के ऊपर यूज हुई है। ये वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है, PHP में बनी है, या फिर शॉपिफाई के अंदर बनी है। बहुत कम केसेस में वो थीम भी बताती है। ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जो काम मैंने बोला है उसको आज का दिन लगा दें, ठीक है, आज का दिन उसको प्रैक्टिस करें और मुख्तलिफ किस्म के थीम्स, उनके डेमोज इंपोर्ट करके चेक करें, दोबारा से WP रीसेट मारें और दोबारा से चेक करें। ठीक है, लोकल होस्ट के ऊपर बहुत सारे मसाइल आएंगे आप लोगों को ये जो है डेमो इंपोर्ट करते हुए। ठीक है, तो उसको देख लें फिर आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है, और ये आज शाम तक ये सब लोगों के काम हो जाने चाहिए कि आप लोगों को पता हो कि डेमो इंस्टॉल कैसे करना है, और सब लोगों के हाथ से एक दफा ये चीज जो है वो गुजर चुकी हो, डेमो इंस्टॉलेशन के अंदर किसी को कोई मसला ना आ रहा हो। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।